आमद पे तेरी इतरो चरागो सबू ना हो, आमद पे तेरी इतरो चरागो सबू ना हो, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। फिर आपका बहुत अच्छा था, अब इसका मतलब भी बता दो। इसका मतलब है कि जो हमारे मेहमान हैं, इनकी आमद पे चराग, खुशबू, इत्र, सारा कुछ वेलकम किया जाएगा। इतनी सादगी से हम वेलकम नहीं कर रहे। अरे वाह, आज तो राहत अंदोरी टाइप की शायरा लगी हो। एक होस्ट सी ते अगरबत्तियां बेचने वाली निकल आई। बब्बू तू ही ते सारी जिंदगी जड़ा वाले शतूत वेचे, हुण वड्डी सीट ते बैठ। तुहाडी शह ते जुगतां करदे आं सारे। सर, हमारी खूबसूरत सी ऑडियंस आपसे गुफ्तगू करने के लिए बेताब है। जी, बिस्मिल्लाह। तो जी, कौन है हमारे साथ? जुनैद साहब, आपसे मुखातिब हूँ। मासूम सा चेहरा, मीठी आवाज और प्यारा सा इखलाक। बहुत शुक्रिया। ये तो थी खैर मेरी बात। आप सुनाए, कैसे हैं आप? कुछ भी नहीं, आजकल दी जनरेशन है, जो मर्जी कही जावे। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੰਘੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਜਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਆਪਨੇ। ਯਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਐਂਕਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। 50 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਸੂਟ 'ਤੇ ਸਭਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਤਬਸਰਾ ਥਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਸਹੀਦ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕੀਆ ਥਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਪਹਿਨਾ ਥਾ, ਕਹਤਾ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕੀਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ, ਕੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਸਟਰਡ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਕਸਟਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਨਸੀਮ ਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਥੀ ਕਿ ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਭੀ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੁਆ ਹੋ, ਆਪਨੇ ਰੋਲ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ, किसी भी डायरेक्टर ने कभी आपसे आपके कान पकड़वाए? कभी क्या, जब शुरू में आए थे कान छोड़ने नहीं देते थे। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि कभी किसी डायरेक्टर ने कान छुड़वाए? हाँ, ये करना चाहिए था, आपने उल्टा कर दिया। ये काम बड़ा मुश्किल काम है, आज तक नहीं आया ना अभी आएगा, तो इसमें स्ट्रगल रहती है। जो पिछले डायरेक्टर होते थे ना, वो बड़े सख्त होते थे। तारक जय साहब होते थे हमारे डायरेक्टर, तो वो बहुत सख्त थे। जब वो काम पे आते थे ना, वो थप्पड़ भी मार देते थे मुंह के ऊपर। तुम काम नहीं करना आता, फटाक बंदे चपेट बजे। उमर शीर साहब भी ऐसे करते थे। उमर भाई के साथ एक दफा मैं काम कर रहा था थिएटर में, तो मेरे मुंह से एक जुमला गलत निकल गया, जो सिचुएशन से हटके था। मतलब ये नहीं को वल्गर था, नहीं, सिचुएशन से हटके था। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरे यहाँ से पानी निकला, और साफ भी नहीं करने दे रहे। और एडी वड्डी क्लैप हुई, फिर वो रोज मारते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अब्बास है। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं उकाड़ा दीपालपुर से। उकाड़े हुआ है मेरा भरा। यार, इस गेट ते लिखा भी उकाड़े दे बंदे फ्री ने थे। जी, अच्छा, सवाल पूछे प्लीज। मेरा सवाल बब्बू साहब से है जी। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1,13,00,000 यूट्यूब चैनल हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपने तकरीबन 1,12,99,999 यूट्यूबर को आपने अपने इंटरव्यू दे दिए हैं। कौन सा जबरदस्त कौन सा बदनसीब यूट्यूबर रह गया जिसको आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया? बताओ कौन सा? ये खुद। हालांकि इन्हें अपने चैनल के उत्ते आप ही इंटरव्यू दिंदा। अच्छा, आप ही इधर बैठ के सवाल पूछता, बब्बू साहब आपने उधर क्यों छोड़ा? आप ही कहता तंग आ गया था मैं। नहीं तो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, बच्चों के बगैर रहा नहीं जाता था। लोड सी तेन सवाल कर। डॉक्टर ते गया, उन्हें दवाई दे पैसे मंगे, कहता पैसे नहीं है, इंटरव्यू ले ला। ये तो सुता पिया भी कही जाना, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं। सर, यूट्यूब वाले इतने तंग आ गए हैं कि हुण इन्हां दे इंटरव्यू जिस चैनल ते आंदे उन्हें डीमोनेटाइज कर देंगे। शुक्र कर, तेन डीमोनेटाइज कहना आ गया। ये मैनू आना नहीं सी, जिन्ने चैनल ते मैं इंटरव्यू वेख बैठा, मैनू रट्टा ही लग गया। नहीं तो तू फैसलाबाद दे उस इलाके च रहण आला जिथे अजे भी छोटी हुंदी वड्डी नहीं हुंदी। हुण ते गलियां च वादा लांदा, पुराने लोए टीन डब्बे तो इंटरव्यू ले लो। और फैसलाबाद दे उस इलाके च रहिंदा फलक शेर,
फैसलाबाद तो 43,000 किलोमीटर अगे अतारत के पास रहता ही। मैं तो हो अतारत हो रहे की यानी कि बस का स्टाप कोई नहीं छाल मार के ला दे चूड़िया फिल्म उत्थे होने लगी हफ्ता होया बब्बू साहब उत्थे भी इंटरव्यू देन चले गए आपा जी मैं तुहानू मौजूद आदमी समझदा सी मौजूद आदमी नेक्स्ट प्लीज कोई होर मेरे खिलाफ सवाल मेरा सुहाना सियाल साहिबा आपसे एक क्वेश्चन है आप आने वाले वक्त की हीरोइन है आपके पास दो ऑप्शन है गाना पिक्चराइज करवाने के तो आप इन दोनों में से कौन से गाने पर पिक्चराइज कराएंगी रक्से जंजीर पहनकर भी किया जाता है या फिर लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो पाओ अच्छा आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक फिल्म में कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह जो आपने बताया इसमें से बब्बू लुड्डी है जमालो सौखा पैंदा मैं तेरे पीछे ढोलक बजानी है लुड्डी है जमालो सौखा पैंदा है अल्लाह की कसम बहुत ही इजी ले लिया तुसी मैंने फिर तो मामा पहले तू एमपीए सी ठीक है भाई तुसी बैलेंस ना करया करो हां जी मेरा नाम आयशा है और मैं ना एक शेर सुनाना चाहती हूं भैंस रखने का तकल्लुफ हमसे हो सकता नहीं घर में सूखे दूध का डब्बा है जो रखा हुआ गैर मुहरम को मुलाजिम घर में रखें किस लिए काम करने के लिए अब्बा जो है रखा हुआ काम करने के लिए अब्बा जो है रखा ये घर की बातें कौन बताता है ये तो करो ही दसदा सी फिर अबे बेचारे होंदे ही काम करने वास्ते जो तो आपका अच्छा होना है दुबई से भागा हुआ बंदा जो रखा हुआ वो भागा हुआ मैं उथे बुर्ज खलीफा चोरी करके दौड़िया भागा हुआ सारी दुनिया दुबई जांदी मैं को नोखा ही गया सी यार बब्बू दुबईयों इन्नी रेत ले आके भाभी नु कहंदा एदे नाल भांडे धोया कर स्वाद होएगा सर अभी हमारी ऑडियंस में दो बड़ी खूबसूरत सी बच्चियां हैं प्यारी सी और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं अच्छा एक्टिंग के शौकीन जी हाँ अगर आप इजाजत दें तो हम उनको यहाँ पे बुलाएं और उनकी एक्टिंग के जौहर देखें बिस्मिल्लाह आएं बेटा आएं आ जाएं प्लीज बाजी बक विक्की भाई आप सिचुएशन दें जी अच्छा सिचुएशन ये है कि आप में से एक नंद है और एक भाभी है ठीक है अब दोनों ने आपने अपने भाई की तारीफ करनी है आपने अपने हस्बैंड की करनी है और आपने भाई से नुक्स निकालना है और आपने अपने कहना कि हस्बैंड मेरा ठीक है ठीक है एक दूसरे को आपने नोचना है कहना कि भी तुम ठीक नहीं हो जो हमारे यहाँ नंद भाभी की रिवायती लड़ाई होती है वो करके दिखानी है अगर आपको नहीं आती तो सुहाना से सीख ले ऑनेस्टली मुझे नहीं आती नंद कौन बनेगा और भाभी कौन बनेगी भाभी है अच्छा डन हो गया गुड उठ गई है मलका या आलिया 12 बजे जो बंदा सुबह 6 बजे सोए वो सुबह उठ कैसे सकता उस दिन मुझे कहती बिरयानी बनाऊं या खिचड़ी मैंने भी कह दिया जो मर्जी बना ले नाम तो बाद में ही रखने मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाने नहीं बनाने आई थी तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं मैं खुद जाके बना लूं अच्छा हाँ तो जब भाई फ्रूट लेके आए तो ऐसे छुपा लेती हैं जैसे मेरे पापा ने तो दुकान लगा कर रखी हुई है और खुद के घर वाले आ जाए तो सोन हलवे मेरे भाई के घर वाले आ जाए तो बर्फियाँ क्या बात है अच्छा वैसे नंदा होंदियां तेज ही नशावा भी जावा जैसा बड़ी हो के बहुत खतरनाक निकलेगी अच्छा मतलब आपका टोमी टोमी हमारा टोमी कुत्ता भाभी मासूम है नंद मासूम भाभी बेचारी नंद घर विवाह के आगे फंस गई भाभी मासूम ही होनी ओदा बंदा भी चला होना किते क्या जादू टोने करके रखे हैं मेरे भाई पर नीचे लगा के रखा हुआ है और अगर जादू टोने किए होते तुम्हारी माँ और तुम अभी जिंदा ना होती उन्हें अपने आमला दे पका यकीन है मैं कह रहा था अमल सही है कोई दुबईली तुईता गा करौना जे पहले तुम्हारा भाई पंछी जैसा था और जब से मैंने खिदमत की है तुम्हारा भाई नसीम विकी जैसा हो गया क्या मतलब आप मेरे भाई को बुलेट कहना चाह रही है कोई गल करने वाली एडी सच्ची गल